Assalamu alaikum. I am Mariam Khan, RDN, working as a food and nutrition coach at PRC. Circadian rhythm, ya 24-hour clock, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसके बारे में आपने हो सकता है सुना हो और जानते हो, क्योंकि अभी बहुत लेटेस्ट रिसर्च इसके ऊपर की जा रही है कि हमारा जिस्म क्या अपने तौर पर किसी एक स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, या फिर हम जिस तरह मर्जी चाहें अपने जिस्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वक्त मर्जी चाहें सोएं, उठें, एक्टिविटीज़ अपने लिए प्लान करें, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल्स इस तरह के हो गए हैं कि हम लोग बहुत डिलेड रात तक जागते हैं. सुबह अगर जल्दी उठ भी जाएं तो भी रात देर तक जागना, खाते पीते रहना और एक्टिविटीज़ के जो ड्यूरेशंस पहले होते थे, जो टाइमिंग्स पहले दुनिया फॉलो करती थी, वो अब इस कदर डिफरेंट और फ़र्क हो गए हैं कि क्या इन सब चीज़ों का हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारी सेहत पे, हमारे जनरल हेल्थ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है. दुनिया भर में बहुत सारी डिजीज़ेस अब ऐसी आ गई हैं जिनके लिए इंसान एग्जैक्टली कहीं फिंगर पॉइंट नहीं कर पा रहा. हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी खुराक के अंदर उस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं कि शायद इसके अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से हमें ये डिज़ीज़ हो रही है. ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी हो सकता है, या कुछ और डिजीज़ जो बहुत शिद्दत से कॉमन हो रही हैं, या जिनकी एज लिमिट्स जो पहले 40 प्लस होती थी जिन डिजीज़ के लिए, अब छोटे छोटे बच्चे भी उन डिजीज़ का शिकार नज़र आते हैं. तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या टर्न हुआ, ऐसा क्या चेंज आया, हमें उस चीज़ को देखते रहना चाहिए. सर्कैडियन रिदम एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट और बायोलॉजिकल प्रोफेसर्स इसके ऊपर अपनी रिसर्चेस और अपने रिसर्च पेपर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बात तो वाज़े हो चुकी है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक क्लॉक, एक मास्टर क्लॉक प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक टाइम के ऊपर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और अगर हम अपनी बॉडी को उस चीज़ को फॉलो करने दें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और अगर हम उसको डिफाई करते हैं किसी भी वजह से तो वो परेशानी का बायस बनता है, और ज़्यादा मुसलसल इसी चीज़ को फॉलो करते रहने से बीमारियों का बायस बन रहा होता है. ये क्लॉक 24 आवर क्लॉक हर किस्म के जानदार में प्रेजेंट है, चाहे वो कोई जानवर है या परिंदा है या प्लांट है या छोटे ऑर्गेनिजम्स भी, सब के अंदर ये क्लॉक प्रेजेंट होता है और उनकी बॉडी इस तरह से वर्क करती है उस क्लॉक के तहत. अगर हम ह्यूमन 24 आवर क्लॉक की जिक्र करें तो इसके अंदर अराउंड 10 o'clock हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन प्रोड्यूस होने से हमारे जिस्म में नींद के असरात आना शुरू हो जाते हैं. यानी नींद और गनूदगी हमारे जिस्म को इस वक्त ये बेस्ट टाइम होता है टू फॉल टू स्लीप, और हमारी बॉडी इस वक्त अगर सो जाए, यानी 10 o'clock हम सो जाते हैं, तो 2 o'clock ऐसा टाइम होगा जिस वक्त हमारी बॉडी डीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्लीप में होगी. 10 बजे सोने के बाद बॉडी के टेम्परेचर्स कम होना शुरू हो जाते हैं, डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ताकि बॉडी रिलैक्स करे, और ये हमारी 24 आवर क्लॉक के तहत ऐसा होता है. 2 बजे के बाद अराउंड 4 in the morning हमारी बॉडी टेम्परेचर राइज करते हैं टू मेक अस फंक्शनल अगेन, ताकि हमारी बॉडी दोबारा फंक्शन करने के काबिल हो सके. इसी तरह जब फिर हम उठते हैं तो मेलाटोनिन के लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, हम फुली अवेक हो जाते हैं, तो हमारे और हार्मोन्स जो हमारे स्ट्रेस कंडीशंस को डील करने में हमें हेल्प करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं.
अराउंड नून या उससे थोड़ा पहले वो ऐसा टाइम होता है जिस वक्त हम अपनी क्रिएटिविटी, हम अपनी एनालिटिकल पावर्स और ये सब अपने बेस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के बाद के टाइम में हमारे मसल्स में ऐसा हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि हमारे वो मसल एक्टिविटी के लिए, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हमारे फिज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, एक्सरसाइज या गेम प्लेइंग, वो उस टाइम के लिए बेस्ट एक्टिविटी हो सकती है। इसी तरह फिर ये साइकिल कंप्लीट होता है डे एंड नाइट का। ये साइकिल हमारी बॉडी बगैर किसी घड़ी के, बगैर किसी प्रॉपर इंडिकेशन के कंप्लीट कर सकती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहना शुरू कर दें जहाँ पे आपको कोई घड़ी मौजूद ना हो, क्लॉक मौजूद ना हो, आप फिर भी अपने उस यूजुअल टाइम पे आपको फिर भी रात 10 बजे तक नींद आना शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी डिस्कवरी है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी मालूमात हमें मिल रही हैं जिसके ऊपर हमें हम एक कॉन्सेप्ट बहुत सुनने में आ रहा है, रिवर्ट बैक टू नेचर, नेचर में वापस जाइए, नेचुरल चीज़ों की तरफ वापस जाइए, चाहे वो खाने के अंदर हों या फिर हमारी लाइफस्टाइल के अंदर। जो हमारे सर्कैडियन क्लॉक को ख़राब करने का या परेशान करने का एक बहुत बड़ा वजह बन रही है, दैट इज़ द ब्लू लाइट जो कि हमारे गैजेट्स में से निकलती है, जैसे मोबाइल्स में से, लैपटॉप में से, जिसमें हम रात के टाइम पे काम कर रहे होते हैं, और उस लाइट की प्रेजेंस एट टाइम्स हमारा क्लॉक डिस्टर्ब करती है, बिकॉज लाइट सेंसिटिव है हमारा ये क्लॉक, और लाइट की प्रेजेंस उसको एक्टिव करती है या उसको मेलो डाउन करती है। तो इसलिए लाइट्स हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अगर आपके घर में आप ऐसी जगह रह रहे हैं, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत फॉग है या बहुत सूरज नहीं है, तो आप बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ग्लूमी रहते हैं, आपका हर वक्त दिल करता है आप सोए रहें, बिकॉज़ आपकी सर्कैडियन क्लॉक के अंदर वो उसको ट्रिगर्स नहीं मिल रहे होते ऑफ लाइट। गुड लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग कमरे के अंदर, अगर नेचुरल लाइट आ रही है, नथिंग लाइक इट, और इस तरह की चीज़ें बहुत जिनका ख्याल रखा जाता था पहले। हमारे घरों के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते थे जिसके अंदर गार्डन्स मौजूद होते थे, खिड़कियां रखी जाती थी। अब क्योंकि लोगों के नंबर ज़्यादा होता जा रहा है, इंक्रीज़ होने की वजह से घर छोटे और तंग होते जा रहे हैं, और उसके अंदर लाइट एट टाइम्स नेचुरल लाइट बहुत थोड़ी देर के लिए एंटर करती है, तो इसकी वजह से और भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं लाइट की प्रेजेंस हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है उसके अंदर। हमारे जिस्म के अंदर हर सेल, हर जीन्स, हर ऑर्गन, हर हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो अपना एक क्लॉक के तहत काम कर रहा होता है। मैंने पहले ब्रेन के अंदर मौजूद क्लॉक की टाइमिंग्स का आपसे ज़िक्र किया, लेकिन जिस्म का हर हिस्सा, जैसे अगर हम अपने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं बात करूं खाने के निज़ाम के ऊपर, यानी जीआई ट्रैक्ट के ऊपर, तो वो पूरा ट्रैक्ट भी मुख्तलिफ टाइमिंग्स के ऊपर मुख्तलिफ एक्ट्स करने के लिए बना होता है, और बहुत अच्छे से करता है अगर उन टाइमिंग्स को फॉलो किया जाए तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल अपना दे सकते हैं। एंजाइम्स का रिलीज़, गैस्ट्रिक जूसेस का रिलीज़, वो सब टाइम डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अर्ली आवर्स में खाना खाया जाए, यानी सुबह के टाइम पे जो खाना खाया जा रहा होता है, सुबह अगर हम 6 o'clock को स्टार्ट लेते हैं और देन हम 10 घंटे 11 घंटे के साइकिल के अंदर अपनी सारी फूड इनटेक कंप्लीट कर लें, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये अच्छा रहता है बिकॉज इसके बाद हमारे हार्मोन्स एक डिफरेंट एंगल ले लेते हैं। इस खाने के टाइम के दौरान हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हो रहे होते हैं और हमारी फैट्स जो हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं, और जब नाइट टाइम शुरू होता है, जब हम खाना बंद कर देते हैं, जब फास्टिंग का टाइम शुरू हो जाता है, जिसको हम
सुबह फिर दोबारा ब्रेकफास्ट लेके अगर करते हैं, सो अगर हमारे पास 13 to 14 hours ऑफ फास्टिंग गुजरता है या ऐसा एक मुसलसल टाइम जिसके अंदर और एक रेगुलरिटी के साथ, ये नहीं कि किसी दिन हम ऐसे कर लेते हैं और किसी दिन हम रात गए रात तक खाते जा रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे क्लॉक को अच्छे से वर्क कराने के लिए। सो आपके लिए जो सूटेबल टाइमिंग्स आपके मॉर्निंग से लेके अर्ली इवनिंग तक, लेट नाइट तक नहीं, आप खाने को प्लान कर लीजिए और इस तरह से डिवाइड कर लीजिए जो कि आपके लिए आपके साइकिल के हिसाब से सूटेबल है। और फिर उसके बाद एक प्रॉपर फास्ट की तरह की कंडीशन, यानी कि आप बार बार ना खाते रहें, और जिसे बहुत आसान जबान में हम ये अपने पेशेंट्स को समझा रहे होते हैं कि आप सोने से करीबन 2-3 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए, कोशिश करें लास्ट मील आप इतना पहले ले लें अपने खाने से सोने से पहले। तो इस तरह से जो ना खाने वाला टाइम यानी फास्टिंग वाला टाइम है उसके अंदर फैट बर्निंग के हार्मोन्स रिलीज, ऐसे हार्मोन्स ऐसे एंजाइम्स और ऐसी एक्टिविटी आपकी बॉडी में होती है जिसकी वजह से फैट्स बर्न होते हैं, प्लस रिपेयर होती है आपकी बॉडी के अंदर जो भी बहुत सारी चीज़ें जो रिपेयर मांग रही होती हैं आपकी गट लाइनिंग में, आपके और बॉडी ऑर्गन्स में, वो दौरान स्लीप आपके सोने के टाइम के बीच में वो आपको रिपेयर मिलती है बॉडी की तरफ से, अगर वो रेगुलरिटी के साथ इस चीज़ को फॉलो किया जाए। अगर हम इरेगुलर होंगे, कोई चीज़ नहीं ख्याल कर रहे होंगे, किसी दिन कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, किसी दिन कोई कर रहे हैं, किसी दिन नाश्ता कर लिया और किसी दिन रहने दिया, पसंद नहीं आया, जल्दी है, कुछ भी करके छोड़ दिया, तो वो एक अच्छा साइकिल नहीं आपका मेंटेन हो रहा होता। और जिस तरह मैंने बताया कि लाइट की प्रेजेंस आपके साइकिल उसको रिदम को ख़राब कर रही होती है, 24 आवर को क्लॉक को ख़राब कर रही होती है अगर फ़र्क टाइम के ऊपर आप वो एक्स्ट्रा लाइट और उसके सामने बैठे हैं, इसी तरह फूड की इनटेक गलत टाइम के ऊपर आपके सर्कैडियन रिदम को बुरी तरह इफ़ेक्ट कर सकती है। सो इस तरह आप बहुत से ऐसे डिजीज़ से बच सकते हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं जो कि हमारे इस लाइफस्टाइल की वजह से हमें मिल रही हैं। ये एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है, बट अगर हम इसको देखें तो ये इतनी नई बात नहीं है। दिस इज़ व्हाट आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू। वो लोग खाने को इस तरह से प्लान करते थे कि दिन की रोशनी में खाना खा लेते थे, और जिसे हम मगरिब के बाद का टाइम कहते हैं, जनरली उसके बाद खाना नहीं खाया जाता था। सो इस तरह के चीज़ें हम साइंस के साथ देखें तो नई लग रही होती हैं, बट अगर हम अपने रूट्स की तरफ देखें, हम अपने एंसेस्टर्स की तरफ देखें, तो ये इतना नए कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। और फिर हमें एट टाइम्स लगता है कि पुरानी जनरेशन्स की हेल्थ अच्छी थी, दे वर मोर एनर्जेटिक, वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते थे, क्योंकि अभी तो ये कॉन्सेप्ट कि आपको एक्सरसाइज करनी है यही बहुत परेशान कन लगता है लोगों को। उन्हें लगता है कि बस जितना घर का काम कर लिया वो एक्सरसाइज में शामिल है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पाते, वर्कआउट नहीं कर पाते, कुछ भी स्ट्रेनुअस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारी लाइफ क्वालिटी, हमारे लाइफस्टाइल का चेंज होना हमारी हेल्थ की क्वालिटी डिटीरियरेट कर रही है। सो हमें इस सब चीज़ को इस एंगल से देखना चाहिए। आप भी इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश कीजिए। ये न्यूअर कॉन्सेप्ट तो ज़रूर है पर इतना डिफरेंट नहीं है। दिस इज़ ट्रू टू आर रिलीजन, ट्रू टू आर कल्चर, जो हम पहले फॉलो किया जाता था। सो आप अगर सर्कैडियन रिदम को अच्छे से जानते हैं, उसको फॉलो करेंगे, और तो आप बहुत सारे परेशानियों से इन सेंस ऑफ हेल्थ बच सकते हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ऑडियो आपको मोटिवेट करेगी कि आप इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। सो आप आई होप दिस इग्नाइट्स योर पैशन टू लर्न मोर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।